Welcome to Study Icon. This is the Hindu and the Economic Times newspaper vocabulary session. This is lecture 19. Let's begin. First vocab is edify. Edify we use as a verb. हम इसको verb की तरह use करते हैं. इसका English mean होता है to teach in a way that improves the mind or character. मतलब इस way में पढ़ाना या इस way में शिक्षा देना कि जिससे कि किसी के mind या character को improve करा जाए, जिससे कि किसी के mind या character को सुधारा जाए. ठीक है, हिंदी mean की बात करें तो है शिक्षा देना, सुधारना, उपदेश देना. Synonyms, enlighten, educate, instruct, improve. Important synonyms जो exam में आ सकते हैं तो उसमें enlighten and improve. Okay, enlighten and improve both are very important synonyms here. Antonyms are misguide and mislead. Misguide is very important antonym here. So enlighten and improve important synonyms and misguide is important antonym. Example is the teacher hoped her speech about good citizenship would edify her student. Teacher ने आशा की कि जो उसकी speech थी good citizenship के about अच्छी नागरिकता के बारे में वो उनके स्टूडेंट्स के करेक्टर में सुधार लाएगी, वो उनके स्टूडेंट्स के करेक्टर में इंप्रूवमेंट लाएगी. अब इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा है एडिफाई एंड एडिट. हम किन चीजों को करते हैं, एडिट हम करते हैं जिन चीजों को इम्प्रूव करना होता है, तो उसको हम बाद में क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं. और यहाँ लिखा है एडिफाई यानी एडिट फॉर वाई, मतलब एडिट किस लिए, एडिट हम किस लिए करते हैं, एडिट हम करते हैं कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए, तो इसलिए हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं, एडिट से कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वोकैब इज बॉयस्ट्रस. बॉयस्ट्रस वी यूज एज एन एग्जेक्टिव. इसको इंग्लिश टर्म होता है नॉइजी, एनर्जेटिक एंड चेयरफुल, या कहें राउडी, क्योंकि नेगेटिव टर्म का एनर्जेटिक है. एक एनर्जेटिक होता है जो पॉजिटिव वे में होता है, जो चेयरफुल होते हैं एनर्जेटिक होते हैं, बट ये है नेगेटिव टर्म का, जहां पे इसका हिंदी मीन होता है उपद्रवी, दंगा या झगड़ालू लोग. ठीक है, तो इनके लिए हम बोलते हैं बॉयस्ट्रस. तो ये नेगेटिव टर्म का वोकैब है. सिनोनिम्स आर एनर्जेटिक, एक्टिव, राउडी, ग्लैमरस. इंपॉर्टेंस रहने की बात करें तो क्लैमरस बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है. ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिल सकता है, इसलिए प्लीज इसको राइट डाउन करिए. एंड यहाँ स्टार लिखा है तो मैंने आपको पहले बताया कि जिस वोकैब के अंदर स्टार लिखा है उसको आपको कॉपी पे राइट डाउन करना है. ओके, सो क्लैमरस एंड यहाँ पे राउडी जो है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है. एंटोनिम्स आर प्लेसिड, काम, इंपॉर्टेंट. एंटोनिम की बात करें तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेसिड एंड काम, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम. योर एग्जाम्पल इज योर बॉयस्ट्रस एक्शंस एट क्लास कैन नॉट बी टॉलरेटेड. क्लास में आपके उपद्रवी काम सहन नहीं किए जा सकते. ठीक है, अब इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा है बॉयस्ट्रस, थोड़ा इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो लिखा है बॉयज एंड टेररिस को बोल सकते हैं. बॉयस्ट्रस जो यहाँ टेररिस लिखा हुआ है इसको हम टेररिस्ट से रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो बॉयज जो टेररिस्ट की तरह बिहेव करते हैं वो बहुत उपद्रवी होते हैं, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं. ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट वोकैब इज इनफ्यूरिएट. इनफ्यूरिएट वी यूज एज अ वर्ब, हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं. इसका इंग्लिश मीन होता है मेक एक्सट्रीमली एंग्री, मतलब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना या फिर किसी को बहुत ज्यादा क्रोधित कर देना. सिनोनिम्स आर इनरेज, एग्जास्परेट, इनसेंस, प्रवोक. इंपॉर्टेंट सिनोनिम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एग्जास्परेट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रवोक. एग्जास्परेट एंड प्रवोक बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स योर. एंटोनिम्स आर काम, अपीज, डिलाइट. अपीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम योर. एग्जाम्पल इज द सीईओ वॉज इन्फ्यूरेटेड व्हेन ही सॉ द फॉल्स न्यूज इंसल्टिंग हिज कंपनी. जो सीईओ था बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया जब उसने देखा कि कोई झूठी खबर उसकी कंपनी की इंसल्ट कर रही थी. ओके, तो इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, यहां लिखा है इनफ्यूरिएट. ठीक है, इन मतलब यहां पे लिखा हुआ इन. ठीक है, और फ्यूरी मींस होता है एंगर. ठीक है, तो फ्यूरी मींस होता है एंगर, तो हमने इसको किससे रिलेट कर दिया, हमने इसको रिलेट कर दिया इनफ्यूरिएट से. तो इनफ्यूरिएट मींस क्या होता है, जब कोई किसी को गुस्सा दिलाता है, जब कोई किसी को प्रवोक करता है, इसलिए बोलते हैं इनफ्यूरिएट मींस क्या होता है, क्रोधित करना. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वोकैब इज रेकंडाइट. रेकंडाइट वी यूज एज एन एग्जेक्टिव. इसका इंग्लिश मीन होता है नॉट अंडरस्टूड और नोन बाय मैनी पीपल. जब किसी चीज को बहुत सारे लोग नहीं जानते, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जब किसी चीज से अनअवेयर होते हैं, किसी चीज को नहीं जानते या किसी चीज को नहीं समझते, तो वहां हम जिस वोकैब का यूज करते हैं उसका नाम है रेकंडाइट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है. इसके सिनोनिम्स है ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूज, लिटिल नो, डिफिकल्ट. इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो वो है ऑब्सक्योर एंड एब्स्ट्रूज. ऑब्सक्योर एंड एब्स्ट्रूज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हियर. Antonyms are simple, straightforward. Straightforward is important antonym here. Okay. Example is the difficult concept of the physics theory was recognized to everyone but the scientist. Physics theory के difficult concept scientist को छोड़के सभी की समझ से बाहर थे, या फिर सभी उससे unaware थे, या सभी उसको नहीं जानते थे. सिर्फ scientist ही उसको समझ सकते थे. Okay. इसको learn कैसे कर सकते हैं? यहाँ लिखा है रेकंडाइट. ठीक है, इसको थोड़ा हम सेपरेट करें तो लिखा है री एंड कंडाइट. ठीक है, यानी रीकंडक्ट, यानी फिर से कंडक्ट करना. तो फिर से किन चीजों को कंडक्ट करा जा सकता है, जैसे हम एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, तो एक टीचर फिर से क्लास कंडक्ट करेंगी क्योंकि पहली बार में स्टूडेंट्स को
अच्छे से समझ नहीं आया, यानी मेजोरिटी ऑफ द पीपल को जब कोई बात समझ नहीं आती है तो वहां हम यूज करते हैं रेकेंडाइट, तो हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वोकैब इज अवेरिशियस। अवेरिशियस भी यूज एज एन एग्जेक्टिव, हम इसको एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन, मतलब किसी धन को पाने के लिए या किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा लालच दिखाना या बहुत ज्यादा लालच होना, उसको बोलते हैं अवेरिशियस। ओके, सिनोनिम्स आर ग्रीडी, सेल्फिश, रैपेशियस। ग्रीडी एंड रैपेशियस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हियर। एंटोनिम इज जेनरस। जेनरस मीन्स होता है दानी, जो दानी होते हैं उनके लिए बोलते हैं जेनरस। ओके, एग्जाम्पल इज मोटिवेटेड बाई एवरेज, द एम्प्लॉय स्टोल थाउजेंड्स ऑफ डॉलर फ्रॉम द कंपनी वॉल्ट। ठीक है, लालच से प्रेरित होके जो इंप्लॉय था उसने हजारों डॉलर कंपनी के वॉल्ट से चुरा लिए। ओके, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा अवेरिशियस, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक वॉर। ठीक है, यहाँ लिखा अवेरिशियस, यानी इसको हम रिलेट कर सकते हैं वॉर से। ठीक है, तो एक वॉर में जिसके अंदर जीतने का लालच होता है वही रिस्क लेता है, तो इसको बोलते हैं अवेरिशियस। ठीक है, इसको हमने रिस्क से रिलेट कर दिया, और वर्क को हमने वॉर से रिलेट कर दिया, यानी इसलिए एक वॉर में जिसके अंदर जीतने का लालच होता है, तो लालच यानी अवेरिशियस। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट वोकैब इज फैक्टलेस। फैक्टलेस वी यूज एज एन एग्जेक्टिव, हम इसको एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है समवन हु इज इररिस्पॉन्सिबल और इन इफेक्टिव, मतलब जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार होते हैं, जो बिल्कुल ही वर्थलेस होते हैं, बेकार होते हैं, उनके लिए हम बोलते हैं फैक्टलेस। ओके, सिनोनिम्स आर होपलेस, यूजलेस, वीक, वर्थलेस। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की बात करें तो वह यूजलेस एंड वर्थलेस। एंटोनिम्स आर डायनामिक, इफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग। डायनामिक एंड इफेक्टिव बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हियर, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सच अ फैक्टलेस मैनेजर दैट द कंपनी वॉज फोर्स टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी। आदित्य इतना गैर जिम्मेदार मैनेजर था कि कंपनी को दिवालिया घोषित करना पड़ गया। ओके, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ लिखा है फैक्टलेस, जो लेस वर्क करते हैं उनको कंपनी आउट कर देती है, यानी उनको कंपनी बाहर कर देती है, फेंक देती है। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है फैक्टलेस, यानी फैक्टलेस मतलब जो कम काम करते हैं उनको कंपनी बाहर फेंक देती है, यानी जो इनइफेक्टिव होते हैं, जो वर्थलेस होते हैं, बेकार होते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट वोकैब इज मलाइन। मलाइन वी यूज एज एन एग्जेक्टिव एंड वर्ब, हम इसको दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, एग्जेक्टिव की तरह भी और वर्ब की तरह भी। ऑल्दो दोनों का मीन सेम है, लेकिन फिर भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो टू से अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग, यूजली अनफेयरली। ठीक है, इसको वर्ब की तरह जब हम यूज करते हैं, तो जब हम उस चीजों के लिए यूज करते हैं जब कोई किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में बुरा भला बोलता है। ओके, सेकेंड एग्जेक्टिव की तरह जब यूज करते हैं, जब कोई इविल इन नेचर होता है, मीन दुष्ट होता है। ठीक है, या इफेक्ट में इविल होता है, यानी नुकसान पहुंचाने वाला होता है, तो वहां मलाइन वोकैब का यूज करते हैं। सिनोनिम्स आर हार्मफुल, हर्टफुल, डिस्ट्रक्टिव, इविल। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, हार्मफुल एंड इविल। एंटोनिम्स आर प्रेज, कमेंड, बिनाइन। बिनाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है, बिनाइन एंड प्रेज यहाँ पे दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है। एग्जाम्पल इज बिकॉज अ पॉलिटिकल पार्टी वॉज वरीड अबाउट लूजिंग द इलेक्शन, ही इंकरेज्ड हिज स्टाफ टू ओपनली मलाइन हिज ओपोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो अपने इलेक्शन में हारने को लेके बहुत चिंता में थी, तो उसने अपने स्टाफ को इंकरेज किया कि वो खुले तौर पे या खुले आम अपने विरोधियों के बारे में बुरा भला बोले। ओके, इसको लर्न कैसे कर सकते, तो यहाँ लिखा है मलाइन, और इसको हिंदी में बोला जाता है, तो बोले अगर इसको कुछ रिलेट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि मलाइन यानी मैला। ठीक है, मैला यानी डर्टी, तो डर्टी बोलना यानी बुरा भला बोलना या बुरा भला होना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे यहाँ से लर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट वोकैब इज इरेंट। इरेंट वी यूज एज एन एग्जेक्टिव, हम इसको एग्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है, क्योंकि इसके दो तरह के मीन होते हैं। एक मीन होता है जहां पे हम बोलते हैं कि कोई भटकने वाला होता है, जब कोई भटक जाता है। एक मीन होता है जो घूमने वाला होता है, जो किसी एडवेंचर की सर्च में घूमता है, या फिर उसका स्वभाव घूमने वाला होता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इरेंट वोकैब का यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। सिनोनिम्स आर रॉन्ग, डेविएटिंग, फॉलिबल, स्ट्रे। तो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की बात करें तो वो है स्ट्रे एंड डेविएटिंग। ओके, भटकना। एंटोनिम्स आर वेल बिहेव, नॉर्मल, करेक्ट। नॉर्मल एंड करेक्ट बोथ आर वेरी एग्जांपल इज द इरेंट वर्कर्स हैव बीन नोन टू टेक अ 2 आवर लंच ब्रेक। ठीक है, जो घूमने वाले वर्कर्स होते हैं, जिनको घूमना फिरना पसंद होता है, वो 2 घंटे के लंच ब्रेक लेने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यानी ऑल्दो 1 घंटे का लंच ब्रेक एक्सेप्टेबल होता है, बट वो 2 घंटे का लंच ब्रेक लेते हैं, क्योंकि उनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो घूमने वाले वर्कर्स के लिए हमने क्या बोला, इरेंट। ठीक है, जो घूमने वाले होते हैं। इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, जब भी किसी सिलेक्ट किए गए पाथ में कोई एरर आती है, इसका मतलब क्या होता है, भटक जाते हैं। ठीक है, आपने जो पास सिलेक्ट करा था उसमें एरर आई, यानी आप भटक गए। ठीक है, तो वहां पे वर्ड का यूज करते हैं इरेंट।
तो इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, तो इरेंट को हम कैसे किससे रिलेट कर रहे हैं, इरर से रिलेट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज ईडियम, और ईडियम में ब्रेक अ लेग. ठीक है, ब्रेक अ लेग बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, और इसका मीन होता है गुड लक. लेकिन इसका ब्रेक अ लेग का हम यूज जो है वो थिएटर पर्पज में करते हैं. जब भी कोई परफॉर्मर होता है और वो स्टेज पे परफॉर्म करने वाला होता है, तो जो उसके वेल विशर्स होते हैं हमेशा क्या कहते हैं, ब्रेक अ लेग, यानी विश यू वेरी गुड लक, भाग्य आपका, लक आपका साथ दे. ठीक है, तो ब्रेक अ लेग जो ईडियम है इसका मीन्स होता है गुड लक. ठीक है, तो ब्रेक अ लेग जो है ये ईडियम है, ये परफॉर्मर के लिए यूज करते हैं. जैसे एक्टर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, जब परफॉर्म करने जाते हैं तो उनके जो वेल विशर्स होते हैं वो उनको कहते हैं ब्रेक अ लेग, मतलब विश यू वेरी गुड लक. ओके, सो यहाँ पे दो चीजों का यूज हुआ है, एक है थिएटर की, थिएटर में ये ईडियम यूज होता है, और एक ये वेल विशर्स. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जनरल लोगों से आप नहीं बोल सकते कि ब्रेक अ लेग, नहीं तो वहां पे क्या होगा, कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, इस ब्रेक अ लेग का जो हम यूज करते हैं वो हमेशा किसी परफॉर्मर के लिए कहते हैं कि ब्रेक अ लेग. ठीक है, विश यू वेरी गुड लक. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम था. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. और आपको पूरे लेक्चर में जो वोकैब सबसे अच्छी लगी हो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड या फिर आप उसका कोई एग्जांपल देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नियर है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जाती है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. ओके.